हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास एक डीटीएच का रिसीवर आया है। ये कस्टमर चल नहीं रहा है बोल रहे थे, इसे हम चेक करेंगे, सप्लाई देंगे। देखिए हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है, इसके वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए वोल्टेज 3.34 हो रहा है, उसके बाद में 12.7 वोल्ट हो रहा है, उसके बाद में 20 20 भी रनिंग वोल्ट हो रहा है, 22.3 ऐसा कुछ हो रहा है, उसके बाद में 4.95 पॉइंट हो रहा है दोस्तों। इसे हमने सप्लाई दे चुका है, अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। देखिए हम पिन लगा रहे हैं, हमारी टीवी ऑन कर रहा है दोस्तों। देखिए रिसीवर की सप्लाई क्लियर है, देखिए ये हमारे टीवी में अभी नो सिग्नल लिखा आ रहा है। अब इसे हम चेक करेंगे, सिग्नल अभी हमारा 20.2% बता रहा है, मीनू प्रेस करना है। इसके बाद में ये सबसे पहले ऐड प्रोग्राम लिखा है, इसमें जाएंगे। इसके बाद में देखिए फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो हमें उसे कुछ नहीं करना है। ये देखिए पोलेट्री हॉरिजेंटल में है, इसे हम वर्टिकल करके देखते हैं कि हमारा रिसीवर चालू होता है। देखिए दोस्तों हमारे रिसीवर में सिग्नल आ चुका है और सिग्नल भी स्ट्रांग है, मतलब हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है दोस्तों। तो इसी प्रकार थोड़ा सा फॉल्ट था दोस्तों, कस्टमर परेशान था, थोड़ी सेटिंग मिस थी इसकी। इसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी हेल्प इन्फो चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ओके थैंक यू दोस्तों।